हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं बंगाल का सबसे फेमस डिश आलू पोस्तो। तो इसको हम कैसे बनाते हैं वही आप लोग के साथ शेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जया किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं फिर एक न्यू रेसिपी लेके। आज का रेसिपी है आलू पोस्तो। ऐसे अब तो बहुत ही खाए हैं आप लोग, मेरा जैसा एक बार बनाकर देखिए। झटपट बनता भी है, बहुत जल्दी बनता है, 5 मिनट में बन जाता है। तो हम कैसे करके आलू पोस्तो रेसिपी बनाए हैं वही आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे। तो एकदम बंगाली स्टाइल में करेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, अपना रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम पोस्तों को पीस लेंगे, पोस्तों को तैयार कर लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे पोस्तों ले लिए हैं, सिर्फ पोस्तों, इसी को हम पहले अच्छा से पीस लेंगे। और कुछ नहीं मिलाना है इसमें, मतलब आलू पोस्तों का जो टेस्ट है, जो स्वाद है, यही है। कुछ मिला देने से और अच्छा नहीं होता है। तो देखिए हम कैसे करके बनाते हैं, आप लोग मेरा वीडियो के साथ रहिए। आलू पोस्तों को अगर सही स्वाद आप लोग को लेना है तो ऐसे ही बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मेरा पोस्तों पीसना हो गया है। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं बॉयल किया हुआ आलू। आप लोग ऐसे भी आलू ले सकते हैं भूंज के, लेकिन बॉयल करके जो बनता है वो और अच्छा और टेस्टी बनता है, इसीलिए हम बॉईल किया हुआ आलू ले लिए हैं। तो आलू को हम काट लिए, उसके बाद हम कढ़ाई ले लिए हैं। कढ़ाई में हम दे दिए हैं सरसों तेल, तेल गरम हो गया मेरा। उसमें हम दे देंगे बड़ा बड़ा काट के प्याज, और दे देंगे नमक। इसको थोड़ा सा भूंज लेंगे। नमक इसलिए दिए हैं जो प्याज तो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा, इसीलिए। तो प्याज को ज़्यादा नहीं भूंजना है इसमें, हल्का करके ही भूंजना है। ज़्यादा भूंजने से इसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद उसी में हम दे देंगे आलू, जो कटा हुआ आलू था उबला हुआ, वही आलू हम इसमें दे दिए। दे के थोड़ा सा भूंज लेंगे आलू को। अभी दे देंगे हम हल्दी पाउडर। दे के हम भूंजेंगे अच्छा से। तो देखिए हम भूंज लिए हैं, मेरा भूंजना हो गया। उसके बाद हम दे दिए पोस्तों जो पीस के रखे थे, या खसखस। तो इसको दे के हम थोड़ा सा मिला लेंगे, ज़्यादा नहीं। इसको ज़्यादा भूंजना भी नहीं है पोस्तों को, और ज़्यादा कुक भी नहीं करना है। ज़्यादा कुक करने से इसका स्मेल एक तो जो है वो ख़राब हो जाता है, और टेस्ट भी इसका ख़राब हो जाता है। तो देखिए इसीलिए हम थोड़ा ही सा पानी दिए हैं, जस्ट थोड़ा सा। इसको उबरने का इंतज़ार में है, जैसे उबल आ जाएगा तो वैसे हम इसको उतार लेंगे। तो देखिए मेरा ऐसा हुआ है, इसको और थोड़ा सा उबालेंगे। तो देखिए मेरा हो गया है आलू पोस्तो रेडी, इसको अभी हम उतार लेंगे। तो देखिए हम उतार लिए। एक खाने में बहुत टेस्टी होता है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो आप लोग इसी तरह बनाइए। इसको अभी हम थोड़ा सा सजा लेंगे, इसीलिए हम दे देंगे थोड़ा सा कटी हुई मिर्च। आप लोग पहले भी दे सकते थे पोस्तों के साथ पीस के, तो हम यहाँ पे नहीं दिए हैं, इसे दिए हैं। अपना पसंद से आप लोग झाल दे दीजिए। तो देखिए हम यहाँ पे ज़्यादा झाल नहीं बनाए, और ऊपर से हम दे दे रहे थोड़ा सा सरसों का तेल। ये देने से ना इसका टेस्ट और अच्छा होता है और बढ़ जाता है, इसीलिए हम दे दिए थोड़ा सा सरसों का तेल। तो मेरा ये रेसिपी कैसा लगा है, कैसा बना है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। और आप लोग भी इसी तरह बनाइए और खाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप कि मेरा रेसिपी आप लोग को अच्छा लगा है, तो लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल ना भूलें। खाने के लिए मेरा रेडी हो गया है आलू पोस्तों। आप लोग भी ऐसे बना कर खाइएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बनता है। और मेरा रेसिपी अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए मेरा ये रेसिपी कैसा बना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरा कोई रेसिपी के साथ। बाय बाय।